मंत्रालय और बीजेपी कार्यालय को पेपरलेस करने को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में हम सबको आगे बढ़ना है, इसलिए नई तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। बीजेपी शुरू से टेक्नोलॉजी से भी रही है, टेक्नोलॉजी के उपयोग के बहुत फायदे हैं और अब जमाना भी डिजिटल है। वहीं टीकाकरण में हितग्राहियों के नंबर रिपीट होने पर मंत्री सारंग ने कहा, इस गलती को हमने समय पर पकड़ लिया, लेकिन इससे कहीं कोई कमी नहीं आई है। रिपीट नंबरों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने बंगाल में 3 जिलों की मिली जिम्मेदारी पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और वहां भाजपा की सरकार बनने की बात कही। हमने ये निश्चित किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया को करेंगे और उसी लिए हमने इस बार जब हमारा अभ्यास वर्ग हुआ तो उसमें जो साहित्य का वितरण हुआ उसमें हमने पेन ड्राइव के माध्यम से सभी को डिजिटली हमारा साहित्य उपलब्ध कराया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस ओर काम कर रही है और इस बार हमने आंशिक रूप से डिजिटल और पेपरलेस बजट भी आए इसकी भी शुरुआत करने की कोशिश की है। टीकाकरण की जो लिस्ट है उसमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स की लिस्ट अलग अलग विभाग से आनी थी क्योंकि इसमें नगरीय निकाय से जुड़े हुए फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी थे और पुलिस से जुड़े हुए भी थे। जो नगरीय निकाय की लिस्ट आई है उसमें हमें देखने को मिला है कि कहीं कहीं कुछ नंबर रिपीट हुए हैं, उसकी हमने जाँच की और समय से उस गलती को हमने पकड़ लिया था। केंद्र सरकार की जो टीकाकरण की गाइडलाइन है उसमें करेक्टिव मेजर्स के माध्यम से निर्णय लेकर टीकाकरण की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए इसके निर्देश थे और हमने तत्काल प्रभाव से करेक्टिव मेजर लिए और हार्ड कॉपी के माध्यम से उन हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको समय से इत्तला दे दी, समय से सूचना दे दी। टीकाकरण की हमारी पूरी प्रक्रिया में इस गलती के कारण कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। वो रामकृष्ण परमहंस जी का प्रदेश, वो विवेकानंद जी का प्रदेश, वो रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल किस स्थिति में पहुंच गया और निश्चित रूप से ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी और वो बंगाल का गौरव फिर वापस आएगा।